स्पोर्ट्स विकी के खास शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है वर्ल्ड कप के किस्से। वैसे तो 2019 का विश्व कप शुरू होने वाला है 30 मई से इंग्लैंड में, जिसके लिए विराट कोहली की आर्मी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आज हम आपको एक किस्सा बताएंगे 2003 विश्व कप का, जो टीम इंडिया से जुड़ा हुआ है। ये किस्सा मजेदार भी है और सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा। दरअसल ये किस्सा जुड़ा हुआ है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से। उन्होंने अपनी किताब प्लेइंग इट माय वे में लिखा है कि विश्व कप के एक मैच के दौरान उन्होंने अंडरवियर में टिश्यू लगा के पूरा मैच खेला था। दरअसल सचिन ने अपनी किताब में लिखा है कि 2003 विश्व कप के सुपर सिक्स मैच के दौरान, जो भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था, उस मैच से ठीक पहले सचिन का पेट खराब हो गया। उनको लूज मोशन होने लगे। फिर सचिन परेशान हो गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं। फिर मैच से ठीक पहले उन्होंने अपने अंडरवियर के अंदर टिश्यू पेपर लगा लिया कि अगर मैच के बीच कुछ गड़बड़ होती है तो मैं संभाल सकूं। फिर उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। जोहानसबर्ग में खेले गए इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 292 रनों का लक्ष्य दिया और सचिन ने शानदार 97 रनों की पारी खेली और भारत ने ये मैच 183 रन के विशाल स्कोर से जीता। सचिन ने अपनी किताब में यह भी मेंशन किया है कि उन्होंने कई तरह के उपाय किए। उन्होंने अपने ड्रिंक्स में नमक डाला ताकि इससे लूज मोशन रुक जाए, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। लूज मोशन बढ़ गए और सचिन को टिश्यू लगाना पड़ा। लेकिन जरा आप सोचिए कि अंडरवियर के अंदर टिश्यू लगा के 97 रन की पारी कौन खेल सकता है, वो भी विश्व कप में। ऐसा तो क्रिकेट के भगवान ही कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कप के ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीकी। सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक करिए हमारा फेसबुक पेज। धन्यवाद।